पोषण माह के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। पोषण मीन्स भोजन, हमें भोजन कैसे करना चाहिए, कौन कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, भोजन से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो भोजन हमें हमेशा ताजा करना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। जैसे बाजार में जाते हैं आप, गुटका है, जलेबी है, खुले में जो मिठाइयां होती हैं वो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए ना। और भोजन हमेशा ताजा खाना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें हाथों को अच्छे प्रकार से धोना चाहिए, साबुन से या सर्फ से। कोई भी चीज आपको नहीं मिलती है घर में तो अपनी राख से। राख के अंदर कीटाणु नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लकड़ी वगैरह को जला के बनाई जाती है, जो कीटाणु होते हैं वो उसमें जल जाते हैं। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां है, जैसे पालक है, खीरा है, गाजर है, गोभी है, तो हमें हमेशा ताजा सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य पर कभी भी आप बीमार नहीं होंगे और अच्छी आपकी सेहत जो वो अच्छी रहेगी। फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। फल है जैसे फ्रूट, फ्रूट भी हमें ताजा लाके खाना चाहिए। उसको खाने से पहले गर्म पानी में धोके और पानी भी बार बार पीते रहना चाहिए। इसके बाद जो है, जैसे हम सब्जियां बनाते हैं घर के अंदर, तो उन सब्जियों को क्या करना चाहिए, पहले उनको अच्छी प्रकार से छीलने से पहले क्या करना चाहिए, धोना चाहिए और धोके उनको बनाना चाहिए। खाली पेट स्कूल में किसी को नहीं आना है। सुबह आप लोगों में से 70% या 60% बच्चे जो ऐसे हैं जो खाली पेट स्कूल में आ जाते हैं, उससे क्या है कि आपके शरीर पर बीमारियों का क्या होगा, दुष्प्रभाव होगा, बीमार होंगे। पानी जब हम पीते हैं, स्कूल में भी हम पानी पीते हैं, तो वो साफ सुथरा होना चाहिए। बरसात के मौसम में पानी को गर्म करके छान के अच्छी तरह से फिल्टर करके पीना चाहिए। दिन के अंदर कितना पानी पीना चाहिए, आप छोटे बच्चे हो तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए। उससे आपका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है बेटा। और बासी भोजन नहीं करना बिल्कुल भी। दही खानी चाहिए, घर के अंदर बनी हुई लस्सी खानी चाहिए, मिठाइयां वगैरह आपको बिल्कुल नहीं खानी। भोजन जो है वो अपने घर के अंदर रखा, उसको अच्छी तरह से साफ बर्तन में डाल के ढक्के रखना चाहिए, पानी के बर्तन को भी ढक्के रखना चाहिए, ठीक है। खाना खाने के बाद 100-200 कदम आपको टहलना भी चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद।